देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी रंग भी बहुतेरे देखने को मिल रहे हैं। पाला बदलना, जोड़ तोड़ की राजनीति और इन सब से ऊपर सेंध मारी, ये सब सियासी अखाड़े के वो दाव पेच हैं जिनसे इन दिनों सूबे की जनता दो चार हो रही है। सत्ताधारी दल भाजपा हो या मुख्य विपक्षी दल सपा, दोनों ही पार्टियां सियासी पैतरेबाजी में माहिर हैं। अब सूबे की सियासत में भाजपा ने एक और बड़ा दाव चला है और वो दाव है नेताजी के कुनबे में सेंध। देखिए हमारी रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका देते हुए उनके छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें बीजेपी में शामिल कराया। इस मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा का धन्यवाद दिया। कमल का दामन थामने के बाद अपर्णा ने एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर जमकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने पार्टी को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे पार्टी का हिस्सा बनने का मौका दिया। मैं हमेशा से पीएम मोदी से प्रभावित रहती थी और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है और मेरे लिए राष्ट्र धर्म सबसे पहले है। वहीं अपर्णा ने गुंडागर्दी का जिक्र करते हुए सपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के शासन में गुंडागर्दी को इतना तवज्जो दिया जाता है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, शाम होते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ, इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपर्णा यादव का पार्टी में स्वागत करते हुए जमकर सपा पर हमला बोला। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पश्चिम यूपी में चुनाव होने वाला है और सपा के शासन में गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिम यूपी में कोई बेटी सुरक्षित नहीं थी। अपर्णा को शुरू से लगता था कि योगी जी के शासन में एक अच्छा सुशासन है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश जी असफल रहे हैं, साथ ही वह परिवार में भी असफल रहे हैं, इसी वजह से विधानसभा चुनाव लड़ने से भी बच रहे हैं। सपा के शासन में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी, तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी
अपने परिवार में ही सफल नहीं है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है, जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है या जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं। बता दें कि अपर्णा यादव लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी में रहते हुए ऐसा नहीं हो पा रहा था। अखिलेश यादव बोल चुके थे कि वो परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं देने वाले हैं। इसे लेकर अपर्णा और अखिलेश यादव के बीच अनबन शुरू हुई। बाद में खबरें सामने आई कि अपर्णा बीजेपी नेताओं के संपर्क में है और जल्द पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकती है, जिसे अपर्णा ने सच कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के लिए आज का दिन बेहद खास है। आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से आज समाजवादी खेमे बहुत बड़ी सेधमारी की गई है। अपर्णा यादव को आज दिल्ली मुख्यालय पे प्रदेश अध्यक्ष तनदेव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई गई है। आपको बताना चाहेंगे कि अपर्णा यादव के भाजपा में जाने के कयास विगत कई दिनों से लगाए जा रहे थे, मगर आज उन्होंने भाजपा मुख्य जो कार्यालय है दिल्ली के अंदर में वहां सदस्यता ले ली है। और बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2017 में अपर्णा यादव कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाई गई थी सपा के द्वारा, जहां वो रीता बहुगुणा से महज कुछ वोटों से हार गई थी और उन्हें 67,000 वोट मिले थे। अब देखना ये होगा कि भाजपा में जाकर वो किस सीट से उम्मीदवार बनती है और भाजपा को अगर फिर सरकार बनाती है तो क्या उनकी तरफ से योगदान दे रही है। कैमरामैन दीपक के साथ युवांशु। आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।